नमस्कार मित्रों, विधि विधान चैनल में आपका स्वागत है। जय गुरु महाराज। नीम करोली वाले बाबा की कृपा से आप सभी लोगों का मंगल हो, सभी का जीवन सुखमय हो, ऐसी प्रार्थना हम नीम करोली वाले बाबा से करते हैं कि हमारे सभी भाई लोग, बंधु लोग, स्नेहीजन सभी सुखी हों, उन सबका मंगल हो। जय हो नीम करोली वाले बाबा। उन्हीं के नीम करोली वाले बाबा के अलौकिक प्रसंग कथाओं के अंतर्गत आपको आज एक बहुत ही अद्भुत अलौकिक बात बताने जा रहे हैं, जिसमें इलाहाबाद के एक मोहनलाल जी जगाती, जो कि वहां के बहुत ही प्रसिद्ध कैटरर थे और बहुत ही संपन्न व्यक्ति रहे, लेकिन उनके यहां संतान नहीं थी। एक बार बाबा जी के साथ बैठे कुछ प्रसंग चल रहा था, बाबा जी ने उनको देख के बोला, कुछ प्रसाद वगैरह के उसमें फल वगैरह रखे थे, बाबा जी बोले, ले ये प्रसाद ले, तेरे इधर पुत्र होगा। उनने ले तो लिया मोहनलाल जी ने फल, फिर मन में सोचा कि अब 58 वर्ष की आयु हो गई उनकी, श्रीमती जी की 50 वर्ष की अवस्था, उनने सोचा कि इस अवस्था में अब संतान प्राप्त करके करेंगे क्या, छोटे भाई की संतानें हैं, उन्हीं को वो अपनी संतान मानते थे। अतः विचार करके बोले, उनके बाजू में एक मित्र बैठे थे, बाबा जी से बोले कि बाबा जी इनके यहां भी संतान नहीं है, क्या मैं ये फल इनको दे दूं? बाबा जी बोले, तेरी इच्छा है तो दे दे। उनने वो फल उठाकर उनको मित्र को दे दिया। अब मित्र ने घर जाके उनकी श्रीमती जी को फल खिलाया, उनके यहां संतान रूप में पुत्र हो गया। 1.5 साल बाद वह पुत्र इस संसार को छोड़कर चल बसा। अब वो मित्र उनके फिर उससे भी ज्यादा दुखी रहने लगे। एक दिन मोहनलाल जी बाबा जी के पास गए और बोले कि बाबा जी, इससे तो वो मित्र बेचारा वैसे ही दुखी था, अब तो आपने ऐसा कैसा फल दिया तो वो और भी दुखी रहने लगा, उसका पुत्र तो 1.5 साल का होके नहीं रहा। बाबा जी बोले कि ये फल मैंने तेरे लिए दिया था और तेरे मन में शंका थी, इसलिए तूने उसको दे दिया, ठीक है, हो गई बात। इसी प्रकार वृंदावन के रमणाचार्य जी, एक प्रसिद्ध कथावाचक, इनकी भागवत वगैरह होती रहती थी वृंदावन में, तो वह कथा उनकी समापन हुई और वह उन जो दक्षिणा वगैरह आई थी फल इत्यादि वह सब उनने इकट्ठी करी, एक सेवक से बोले इकट्ठी करके, फिर मन में विचार किया कि मैं यदि वो आए थे किसी उद्देश्य से कि बाबा के इधर कथा भी होगी वृंदावन में और कुछ जो मेरी समस्या है वो बात मैं बाबा के सामने रखूंगा। उनने विचार किया कि यदि मैं ये सब दक्षिणा इकट्ठी करके लेकर चला जाऊंगा तो मैं इसी दक्षिणा का होकर रह जाऊंगा, जो खास बात है मेरे को आशीर्वाद प्राप्त करना है उनसे वह नहीं मिलेगा। अतः उनने एक सेवक से बोला कि यह सब सामग्री उठाकर बांधकर मेरे साथ चलो। वो साथ में गया और बाबा के सम्मुख बाबा के चरणों में वह सब सामग्री रखी और वो भक्त बोला कि बाबा जी ये इनको दक्षिणा आदि में प्राप्त हुई है भागवत जी की कथा के बाद, सो ये सब आपको अर्पण करना है। बाबा जी बोले कि उसको दे दो हो जाएगा, उसको दे दो हो जाएगा, दो बार बोले वो। रमणाचार्य जी ने और एक फल उठाकर दे दिया कि जा हो जाएगा दो बार बोल दिया उनने। वो लेके फल घर गए, अपनी श्रीमती जी को फल खिलाया, भगवान की कृपा से 4-5 कन्याओं के बाद उनको पुत्र प्राप्ति हो गई। तो ऐसे हैं हमारे नीम करोली वाले बाबा।
जो सबकी सुनते हैं और उचित समय आने पर वो सबको ऐसा वरदान भी दे देते हैं कि उनकी समस्या का हल हो जाए। बोलिए नीम करौली वाले बाबा की। इसी के साथ एक आपको बहुत जरूरी टिप्स देना चाहता हूं। कुछ लोग क्या करते हैं कि सुबह उठ के उनको गर्म पानी पीने की आदत है, ज्यादा गर्म हो गया तो उसमें ठंडा पानी मिलाते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। मित्रों, यह मैं आपसे आज बोल रहा हूं कि गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाकर उसको ठंडा ना करें, बहुत जहर के समान हो जाता है। आप रोग दूर करने के लिए गर्म पानी पी रहे हैं, उस ठंडे पानी मिलाने से कई प्रकार के रोग आपके शरीर को लग जाते हैं जो आपको पता नहीं चलता। तो मेरा निवेदन है कि गर्म पानी में कभी भी ठंडा पानी मिलाकर नहीं पिएं। जय गुरु महाराज की।